दिल्ली के 12 जनपद पर स्थित रामविलास पासवान का बंगला आखिरकार खाली हो ही गया। जमुई से सांसद चिराग पासवान की लाख कोशिशों के बाद भी बंगला नहीं बच सका। जिस तरह केंद्र सरकार ने चिराग से बंगला खाली करवाया, उसके बाद बिहार में मोदी सरकार के साथ ही नीतीश सरकार के खिलाफ भी माहौल गर्म हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल सहित बिहार की सभी विपक्षी पार्टियों ने चिराग को समर्थन देते हुए केंद्र पर निशाना साधा है। इस बीच पूरे मामले पर चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चिराग ने कहा कि हम लोगों को केंद्र सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि दिल्ली वाले 12 जनपद बंगले पर मैं और मेरी मां रह सकते हैं, लेकिन बीते दिनों आनन फानन में बंगला खाली करा दिया गया। मेरे पिता की तस्वीर, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को 12 जनपद के बाहर केंद्र सरकार की टीम के लोगों ने फेंक दिया। उस पर चढ़कर वो आ जा रहे थे। ये बहुत दुखद है। इससे दलित समाज सहित अन्य वर्गों में बहुत नाराजगी है। इसके अलावा चिराग ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगले में रहने का आश्वासन मिलने के बाद हम लोगों को वहां से निकाला गया। इसके पीछे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ हो सकता है। मेरे चाचा पशुपति पारस केंद्र सरकार में मंत्री हैं। मेरे पिताजी की जगह चाचा पारस को मंत्री बनाया गया। जब जबरदस्ती हम लोगों को घर से बाहर किया जा रहा था, जब रामविलास पासवान की तस्वीर बाहर फेंकी जा रही थी, तो चाचा पारस शांत थे। साजिश का वो भी हिस्सा है। यानी चिराग ने इस पूरे मामले का जिम्मेदार नीतीश और अपने चाचा पशुपति पारस को बता दिया है। गौरतलब है कि चिराग के रिश्ते इन दोनों के साथ ही दुरुस्त नहीं है। नीतीश और चिराग के बीच रिश्ते बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान खराब हुए थे, और जब लोक जनशक्ति पार्टी में विभाजन हुआ तो चिराग ने इसके पीछे भी नीतीश कुमार का ही हाथ बताया था। ऐसे में बिहार में अब चिराग के महागठबंधन के साथ जाने के संकेत मिलने लगे।